कार्वासल में स्वागत है सभी का। हर्ष बब्बरे में नाम और ये एक निमित्त। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 वाली महिंद्रा थार के बारे में, जो कि कई महीने से इंडिया में टेस्ट हो रही है और अब एक्सपेक्टेड है कुछ ही हफ्तों बाद ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होगी। तो इसके ऑफिशियल इंडिया में लॉन्च डेट के बारे में, इसके चेंजेस के बारे में, इसके इंटीरियर के बारे में, एक्सटीरियर के बारे में और बाकी इसके इंडिया में प्राइस के बारे में बात करेंगे। और बाकी आम मुझे कि आपको जो महिंद्रा की थार है वो एक गाड़ी पसंद है और जब इसका 2020 वाला वर्जन आएगा कि आप उसे खरीदना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो देखते रहे 2020 वाली महिंद्रा थार के बारे में जानने के लिए। तो अगर आपको गाड़ियों के बारे में इंटरेस्ट है या फिर अगर आपको गाड़ी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कार्वासल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही बेस्ट प्लेस है गाड़ियों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो जैसे कि जो महिंद्रा वो एक इंडियन कार ब्रांड है, इंडिया में SUVs बनाते हैं और इंडिया में इनकी गाड़ियाँ काफ़ी अच्छा बिकती है और इंडिया में कई सालों से गाड़ी बेच रहे हैं जिसका नाम है महिंद्रा की थार, जो कि इंडिया में एक 5 सीटर या फिर 4 सीटर एक इनकी जीप टाइप SUV या फिर एक ऑफ रोडिंग SUV जो कि इंडिया में बेचते हैं और कई सालों से इंडिया में बिक रही है और आप कह सकते हैं महिंद्रा की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक गाड़ियों में से भी एक है। तो इसके अगर आप देखें स्टार्टिंग से, अगर आप देखें अभी तक, तो इसकी जो लुक्स है काफ़ी कुछ सेम ही आपको मिलती है एक्सटीरियर में भी और इंटीरियर में भी। काफ़ी बेसिक सी गाड़ी है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते और जो मेन इस गाड़ी का जो इंटेंशन है, मेन इस गाड़ी का जो पर्पस है वो पहला तो है ऑफ रोडिंग करना और सेकेंड है इसकी रोड प्रेजेंस। तो अब 2020 में महिंद्रा एक नई वाली थार इंडिया में लॉन्च करेंगे जिसमें आपको जो प्लेटफॉर्म है वो तो आपको वही मिलेगा, लेकिन आपको इंटीरियर में काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको मिलेंगे, एक्सटीरियर की जो लुक्स है आपको काफ़ी मॉडर्न मिलेगी और जो गाड़ी है पहले से काफ़ी बेहतर होगी। वैसे अगर आप 2020 वाली महिंद्रा थार देखें तो उसमें आपको जो मेन डिफरेंसेस मिलेंगे वो है इसके थोड़े बहुत लुक्स में, और लुक्स भी आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नहीं मिलेगी, वैसी आपको थोड़ी बहुत लुक मिलेगी जो कि आपको जो वेलीज़ की जो CJ5 आती थी वैसी थोड़ी बहुत आपको लुक मिलेगी ओल्ड स्कूल टाइप वाली। लेकिन इंटीरियर में जो कम्फर्टेबिलिटी होगी, जो सीट्स होगी ज़्यादा कम्फर्टेबल होगी, जो इंटीरियर में आपको क्वालिटी मिलेगी पहले से काफ़ी अच्छी मिलेगी और बाकी पहले से काफ़ी स्मूथ होगी गाड़ी चलाने में, सिटी में भी आप इसे काफ़ी अच्छे से चला पाएंगे। तो अगर आप थोड़े बहुत स्पाई शॉट देखें 2020 वाली महिंद्रा थार के बारे में, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो गाड़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्क्वेयर्ड ऑफ आपको दिखेगी और वो इसलिए कि अब इसमें आपको जो है फुली हार्ड टॉप वाला वर्जन इसमें आपको मिलता है। तो जो पहले की महिंद्रा थार थी उसमें आपको जो रेयर वाला पार्ट था उसमें आपको सॉफ्ट टॉप वाला वर्जन मिलता था जिसमें रेयर में आपको एक क्लॉथ वाला मटेरियल मिलता था, लेकिन जो 2020 वाली महिंद्रा थार आएगी उसमें आपको फुली हार्ड टॉप वाला वर्जन मिलेगा जिसमें जो आपकी रूफ है स्टार्टिंग से लेकर गाड़ी की एंडिंग तक जाएगी और ये जो रूफ है हार्ड टॉप वाली होगी, मेटल या फिर स्टील की रूफ होगी। और इससे बेनिफिट ये होगा कि गाड़ी की जो रिजिडिटी है वो बढ़ जाएगी, मतलब गाड़ी की सेफ्टी बढ़ जाएगी, लेकिन डाउनफॉल ये होगा कि महिंद्रा की जो आपको थोड़ी बहुत थार की जो आपको लुक मिलती थी उसकी ओल्ड स्कूल लुक वो आपको नहीं मिलेगी। तो उसके बाद अगर आप इसके थोड़े बहुत इंजन के बारे में बात करें, तो जैसे कि अभी आपको जो थार में इंजन मिलता है वो है 2.5 लीटर का CIDE डीजल इंजन, जो कि अब काफ़ी पुराना हो चुका है। इसमें आपको पावर भी काफ़ी कम मिलती है, जो इंजन का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है और बाकी इंजन के एमिशंस भी काफ़ी पुराने और जो इंजन है काफ़ी कम रिफाइंड है। तो इसलिए 2020 वाली थार में आपको एक नया इंजन मिलेगा जो कि 2.0 लीटर का डीजल इंजन जो कि BSS कंप्लायंट होगा, जिसमें आपको अराउंड 130 हॉर्स पावर मिलेगी, 300 Nm तक का आपको टॉर्क मिलेगा और जो ये वाला इंजन होगा काफ़ी पहले से रिफाइंड होगा, जैसे कि जो पहला वाला इंजन है काफ़ी जो है वाइब्रेट करता है, लेकिन ये वाला जो इंजन होगा काफ़ी रिफाइंड होगा, काफ़ी स्मूथ होगा। उसके बाद जो नई वाली महिंद्रा थार आएगी वो भी आपको 4x4 कंपैटिबल मिलेगी जैसे आपको पहली वाली मिलती है, और इसमें आपको 2 डिफरेंशियल लॉक्स मिलेंगे जो कि है 4 हाई और 4 लो जैसे कि आपको पहले मिलते थे। तो अगर आपको इस वाली गाड़ी से भी ऑफ रोडिंग करनी है तो आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं और ऑफ रोडिंग में काफ़ी अच्छी है ये गाड़ी। उसके बाद अगर आप और इसके जो चेंज फीचर्स के बारे में बात करें, तो इंटीरियर में आपको इसमें जो जो फैब्रिक होगा पहले से काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको मिलेगा, जिसमें आपको डैशबोर्ड मिलेगा वो तो आपको ब्लैक कलर का ही मिलेगा, जिसमें आपको 7 या फिर 8 इंच का आपको टच स्क्रीन इन्फोटेन स्क्रीन आपको मिलेगा। ड्राइवर जोन में जो आपका स्टीयरिंग व्हील है उसमें आपको जो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, और बाकी जो ड्राइवर जोन है उसमें आपको MID भी मिलेगा या फिर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी मिलेगा जिसमें आपकी गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे कि अगर आप अभी वाली थार देखें और अगर आप अभी वाली थार की अगर आप रेयर सीट्स देखें, तो जो अभी वाली थार है उसमें आपको रेयर सीट्स में आपको 2 सेपरेट साइड फेसिंग बेंच सीट्स मिलती है, और अगर आपको सेकेंड रो ऑफ सीट्स में जाएँ तो या तो अगर आप बूट से आ सकते हैं, मतलब आप डिक्की खोल के जा सकते हैं, या तो आप फ्रंट की जो सीट्स हैं उन्हें आप फोल्ड करके जा सकते हैं। लेकिन जो अब वाली जनरेशन आएगी, 2020 वाली जनरेशन आएगी थार की, उसमें आपको जो सीट्स आपको नॉर्मल गाड़ी जैसी मिलेगी, आपको फ्रंट फेसिंग सीट्स मिलेगी जिसमें जो आपको आसानी से आप बैठ सकते हैं। इससे जो थार की प्रैक्टिकलिटी है वो तो बढ़ जाएगी, और इससे ये भी क्या होगा कि जो पैसेंजर्स है जो कि पीछे बैठ रहे हैं उनके लिए बैठना काफ़ी आसान हो जाएगा और काफ़ी कंफर्टेबली बैठेंगे, क्योंकि अगर आप साइडवर्ड फेसिंग सीट्स देखें तो वो काफ़ी कम कंफर्टेबल होती है और काफ़ी कम उनमें लेग स्पेस होती है, लेकिन अगर आप फ्रंटवर्ड फेसिंग सीट्स देखें तो काफ़ी कंफर्टेबल होती है, अगर आप उनसे कंपेयर करें काफ़ी प्रैक्टिकल भी होती है। उसके बाद अगर आप और डिफरेंस के बारे में बात करें, तो इस वाली गाड़ी की जो शॉकर्स होंगी या फिर इस गाड़ी की जो सस्पेंशन होगी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगी, ताकि जो सिटी ड्राइविंग है उसमें अच्छी हो या सिटी
ड्राइविंग में भी आप आसानी से इस गाड़ी को चला पाए। और अगर आप इसके लॉन्च के बारे में बात करें तो लॉन्च जो है एक्सपेक्टेड है कि 2020 तक हो जाएगा, मतलब 2020 के पहले या फिर 2019 के एंड तक हो जाना चाहिए, या फिर अगर 2019 नहीं होता तो 2020 का जो ऑटो एक्सपो है तब तक तो हो ही जाएगा। कि अगर आप इस गाड़ी के प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस तो ज़्यादा कुछ बढ़ेगा नहीं अभी वाली थार से अगर आप कंपेयर करें तो। जैसे कि जो अभी वाली थार का इंडिया में प्राइस है वो है 9.6 लाख से लेकर 9.99 लाख रुपीज़ एक्सशोरूम इंडिया। तो जो नई वाली थार होगा उसका भी प्राइस कुछ इतना ही होगा। और जैसे कि इस वाली थार में भी आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा या फिर दो ही वेरिएंट मिलेंगे जैसे कि अभी वाली थार में आपको मिलते हैं। और बाकी आप मुझे बताइए कि आपको जो 2020 वाली महिंद्रा थार है उसके फीचर्स देख के एक अच्छी गाड़ी लग रही है, और जब भी इंडिया में लॉन्च हो क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।